हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मशरूम बटर मसाला की रेसिपी। ये बनाने में बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मशरूम लिया हुआ है, उसे मैंने अच्छे पानी से साफ़ धो दिया है और उसे बीच से बड़े बड़े दो टुकड़े कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के स्मॉल साइज़ के मशरूम यूज़ किए हैं। आप इसे बिना कट किए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे और छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ दो स्लिट ही किए हुए हैं। यहाँ मैंने मशरूम को छीला नहीं है, इसे साफ़ पानी से वॉश करके इसे डायरेक्ट ही कट कर लिया है। अब मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के ओनियन लिए हुए हैं, जिसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। उसके अलावा मैंने जिंजर गार्लिक के कुछ टुकड़े लिए हुए हैं यहाँ पे। उसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज और कुछ काजू भी लिया हुआ है। अभी मसाला बनाने के लिए हम यहाँ एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। जैसे ही जीरा हमारा अच्छे से रोस्ट हो जाए, हम इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन जो हमने रफली चॉप करके रखे हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक जो हमने साफ़ करके रखा था, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें हमारे कटके हुए टमाटोज और थोड़ा सा नमक। अब हम इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि हमारे जो टमाटर है वो पूरी तरीके से गल ना जाए। यहाँ आप देख सकते हो हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। उसके बाद हम आखिरी में डालेंगे काजू के टुकड़े और इसके बाद थोड़ा देर इसे और रोस्ट करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा मसाला पूरे तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे पीस कर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे आता है हमारे मशरूम की सब्ज़ी का सबसे मेन पार्ट। यहाँ पे मैंने सेम उसी पैन में थोड़ा सा बटर गरम किया है। जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी मशरूम के कट किए हुए पीसेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मशरूम को बटर और मिर्च के साथ हल्का सा रोस्ट किया है, जिससे कि मशरूम का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में बहुत अच्छे से निकल के आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है जिससे मशरूम अपना पानी रिलीज़ कर दे और वो 80% यहीं पे कुक हो जाए। इसके बाद हम नमक मिक्स करने के बाद मैं इसे ढककर कम से कम 3-4 मिनट तक इसे यहाँ पे कुक करूँगी। थ्री टू फोर मिनट्स के बाद आप देखेंगे मशरूम ने बहुत सारा पानी रिलीज़ कर दिया है और मशरूम को कुक होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और इसे हम साइड पे रख देंगे। अब आता है फाइनल स्टेज। अभी ग्रेवी रेडी करने के लिए मैंने यहाँ एक पैन में थोड़ा सा बटर गरम किया है, और आप ये देख सकते हैं मैंने वो जो मसाला रेडी किया था इसे मैंने पीस के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए, हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। आप मिर्च यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि मेरी मिर्च तीखी नहीं है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जो मैंने प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो। मिर्ची हम पहले इसलिए डालेंगे क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम इसे बटर में अच्छी तरीके से रोस्ट कर देंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक मसाला अपना तेल ना रिलीज़ कर दे। यहाँ पे मैंने बारीक कोरिएंडर लीव कट करके डाला है, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, और उसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा देर तक पकाएंगे। आप यहाँ पे स्टेज पे थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं जिससे कि मसाला अच्छे से कुक हो जाए।
वहाँ पे 2 से 3 मिनट मसाले को ढककर पकाया था और मैंने थोड़ा पानी भी ऐड किया हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि इस मसाले ने बहुत अच्छे से तेल रिलीज़ कर दिया है और ये अच्छे से कुक हो गया है। आपका मसाला जितने अच्छे से कुक होगा ये टेस्ट भी उतना अच्छा करेगा। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और हमने जो मशरूम रोस्ट करके रेडी किया था, फ्राई करके रेडी किया था, हम वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। मशरूम को ग्रेवी के अंदर डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के और 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। यहाँ पे हमारा मशरूम अच्छी तरीके से पक गया है, लेकिन ये और मसाले के साथ कोट होने के लिए हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। मैंने इस स्टेज पे नमक नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैंने नमक इनिशियली मसाला बनाने के टाइम भी और मशरूम को रोस्ट करने के टाइम भी यूज़ किया था, तो मेरे लिए उतना नमक इनफ है। आप नमक एज़ पर योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब पानी यूज़ किया है, जिसे मिक्स करके मैं मीडियम टू स्लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने इसे ढक के कुक किया है। पाँच मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो चुकी है। आपको इससे ज़्यादा थिक चाहिए तो आप पानी कम ऐड करें, यहाँ पे मेरे लिए इतनी इनफ है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला डालूंगी और थोड़े से चॉप्ड कोरिएंडर के लीव्स डालूंगी। उसके अलावा मैं यहाँ पर रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी ऐड करूँगी। ये कसूरी मेथी ऐड करना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन इससे फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं, आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा। और ये हमारा मशरूम बटर मसाला बनकर रेडी हो गया है। आप चाहिए तो यहाँ पे ऊपर से बटर कट करके भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया है। और ये हमारी ग्रेवी बहुत ही सिंपल और इजी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।